हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 19 जनवरी। तो आज फिर से टेनार का कुछ काम से हम लोग निकल रहे हैं। ये ब्रेक पैड्स है आगे का, जो कि इसे चेंज करवाना है। तो कोलकाता पे टाइम नहीं था वहाँ पे करवाने का, तो जस्ट शोरूम से यहाँ मंगवा चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से करवा लेते हैं। तो कोलकाता के आने के बाद थोड़ा सा तबीयत डाउन हुआ था, अभी भी ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो अभी थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तो अभी चलते हैं उसके लिए। तो अभी जस्ट भाई बाइक निकाल रहा है, देन फिर आज का पूरा दिन आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आगे का ब्रेक पैड्स है, पहले डिस्क खुलता है देन फिर वो लगता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलते हैं एक वहाँ पर शॉप में, वो करवाते हैं। बहुत ज्यादा आवाज आएगा अभी। मेरा आवाज तो नहीं आएगा आपको। अभी इसका आरपीएम इस समय रहता है 2 पे। भाई का चैनल का नाम लिखा हुआ श्रीवास्तव जी। मैं जा रहा हूँ स्कूटी से, क्योंकि मैं बाइक नहीं लाया हूँ आज, तो स्कूटी से चलते हैं। कार लेके जाने का मन नहीं है, ब्रेक पैड्स रखते हैं। A few moments later. एक जन हमको दे रहा है रांची में 20 का। 20 लाख? नहीं, 2020 मॉडल। तो ये है शॉप। एक्चुअली भाई सुपर बाइक का भी काम करते हैं। तो ये यहाँ पे बस चेंज हो रहा है, एक साइड का हो चुका है और ये वाला रहा पुराना वाला। ये मैक्सिमम 5% बचा होगा। जब शोरूम में थे उस समय हम लोग को बताया गया था कि इसे जल्दी से चेंज करा लीजिए, तो ये उस समय कराने का टाइम नहीं था। बस ये जैसा अब चेंज होता है तब निकलेंगे। तो अभी ज़्यादा आगे वाला ब्रेक का यूज़ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि डिस्क से उससे थोड़ा सा नुकसान पहुँचता, इसलिए बस अभी इसे चेंज कराते हैं। एक सेट का हो चुका है, चेक करने के लिए जा रहा है कैसा लग रहा है कराने का। बस चेंज हो ही चुका है, क्योंकि आता है तो बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। सॉफ्ट लग रहा है पूरा। चलो अच्छा बात है, ब्रेक पैड सॉफ्ट हो गया, अब मेरे को टेंशन ख़त्म। खर्चा भी बहुत हो गया गाड़ी में, अब उसका भी टेंशन ख़त्म। तो अभी चला कर आए, एकदम ब्रेक नया जैसा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले बस बहुत थोड़ा सा परसेंटेज बचा था ब्रेक का, तो बहुत अजीब लग रहा था। बस ये चेंज हो ही गया। तो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 4। अब यहाँ से घर निकलते हैं, थोड़ा सा भाई बाइक चलाएगा, देन फिर घर निकलते हैं, वहाँ घर जाके थोड़ा कुछ खाते होते हैं, देन फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अभी टाइम हुआ है 4:30 और घर के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली एक जगह जाना था काम से, वहाँ पे गए थे। तो ब्रेक में तो बहुत डिफरेंस लग रहा है, पहले हम लोग क्योंकि ज़्यादा नहीं 10% ही बचा था ब्रेक पैड पहले वाला, तो इतना गाड़ी नहीं चला रहे थे। और अगर अभी भी लेकर आए थे जब गाड़ी, तब सिर्फ पीछे वाले ब्रेक यूज़ करते हुए, क्योंकि नहीं तो डिस्क पर उस पर इफ़ेक्ट पड़ता। इसलिए अब बहुत अच्छा स्मूथ हो गया, एकदम न्यू वाला फीलिंग आ रहा है गाड़ी का। तो आप अभी जस्ट भाई से बाइक लिए, थोड़ा चलाया जाए, चलते हैं आप घर सीधा। तब तक आप थोड़ा सा मोटर व्लॉग एंजॉय करो, सिटी राइड, एग्जॉस्ट भी एंजॉय करिए आप। इस वक्त बहुत ट्रैफिक हो जाता है। बिना ब्लिंकर का मुड़ जाता है यार इन लोग। इतना दिन बाद बाइक चला रहे ना, तो हाथ में बहुत दर्द हो गया, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। बैक फायर्स
चला गया, लेकिन ये वाले 10R का मन रिफ्रेश हो रहा था एकदम चलाने से। तो आप चलते हैं बड़ा पुल से, अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्ट स्पिन का व्लॉग डाला करूँगा ज़्यादातर, ताकि थोड़ा सा बने रहे। क्विक शिफ्टर तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कंपेयर टू हायाबुसा बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका क्विक सिस्टर शिफ्टर, टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो बस आप घर निकलते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे सब्जी का मार्केट है ना, इसलिए इतना भीड़ लगता है। अभी तो बहुत कम है कंपेयर टू मिड इवनिंग। बीच में ब्रेक मार देता है इन लोग, गाड़ी ज़्यादा हिट तो नहीं हुआ 89 है, पाई जा रहा है। ये हेलमेट इसलिए उतार रहा है क्योंकि अभी हम लोग एक जगह पे रुके थे, इसलिए बस घर बगल में है, तो आप लोग जज नहीं करना। तो फाइनली घर आ चुके हैं। तो आज तो जस्ट बाइक का जब ब्रेक पैड चेंज करा उसके बाद कुछ शूट नहीं किए, तो अभी बस एक छोटा सा काम से निकला था तो उसको शूट नहीं किया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, दवा खा के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठे, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इतना कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।